नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं दानिशन टाइम्स। आकाश के रिजल्ट को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जब कोई रिजल्ट आता है और ख़ासतौर से परीक्षा परिणाम होता है तो उसमें अभिभावकों की भूमिका नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि वही हर कदम पर अपने बच्चों के साथ खड़े नज़र आते हैं, उनके सपनों में रंग भरते हुए नज़र आते हैं। तो बातचीत करेंगे कि आज जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, मम्मा है आपकी? जी, आप बताएं किस प्रकार से, खासतौर से कैसा महसूस कर रही हैं आज? अच्छा कर रही है ना। हाँ जी। और कैसे आपने सहयोग किया, कैसे, कितना घंटे घर पे पढ़ लेते हैं? सर, ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो मतलब अपना पूरा ही टाइम, जैसे अपना जो रूटीन है उसके अलावा जो भी जितना भी टाइम मिलता था सारा पढ़ने में ही जाता है बच्चों का। इससे बड़ी भी बहन भी डॉक्टर है, इंटर्नशिप कर रही है सर वो। कभी निराश होती थी, कभी हताश, ऐसा? वो तो आते हैं सर वो टाइम तो, लेकिन ये खुद ही अपने आप को कर लेती थी ठीक, मोटिवेशन वीडियो देख के या फिर थोड़ा बहुत मैं भी करती थी सर। मैं भी जॉब में हूँ सर, स्टाफ नर्स हूँ मेडिकल में। और आकाश का कितना सहयोग मानती है, क्या ज़्यादा है सर? हाँ जी, 4 साल से यही है, और इसको तो स्कॉलरशिप पर पढ़ाया सर इन्होंने, फ्री पढ़ाया एक ढंग से, 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाया इसने, +1 +2 उल्टा इन्होंने 1 लाख इसको स्कॉलरशिप भी दी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है, और बहुत ही कोऑपरेशन है। कोई भी प्रॉब्लम हम अगर इनको करते हैं तो हमारी तुरंत सॉल्व करते हैं, बच्चे की, हमारी जो भी है। शुक्रिया। एक्सपीरियंस है सर, बड़ी वाली ने भी यहीं से किया है, मेरी बड़ी बेटी ने भी, और इसने भी यहीं से किया है। शुक्रिया सर। मैं संजय कुमार सर। बेटा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर, और सारा योगदान इसके टीचर्स का है, विशेष रूप से योगेंद्र सर, राजेंद्र सर, बायो वाले टीचर्स सब ने मतलब पूरा अप्रिशिएट किया है सर इसको बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप बताएं क्या कहेंगे इस रिजल्ट को लेकर, कैसा? अच्छा रिजल्ट आया जी, बहुत अच्छा, टीचर ने पूरी मेहनत करी जी। और आकाश का पूरा योगदान? हाँ, आकाश का पूरा योगदान, 1 मिनट भी बच्चे को नहीं अग भी छोड़ते, 1 मिनट में मरा भी लेट हो जाए जब फोन, पूरा आकाश ने पूरी मेहनत करी जी, पूरे आकाश का धन्यवाद जी। सर, सर नमस्कार, दिनेश कुमार। वो कहते हैं कि बेटियाँ कहाँ होती है, खुदा चाहे वहाँ होती है, तो बेटी ने जैसे आज एक उपलब्धि को प्राप्त किया है तो बहुत खुशी हो रही है, और जो सपना लेके आकाश में हम आए थे 9वीं क्लास में, वो यहाँ हमारी इच्छाएँ, सपना सब पूरा हुआ। बच्चे ने और स्टाफ ने जो मेहनत की है, जो दुआएं दी हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मैम, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बेटे ने अच्छे मार्क किए, काफ़ी परिश्रम किया है, और आकाश वालों के जो इनके टीचर्स थे उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है, इसकी काफ़ी हेल्प की है पढ़ाई में, और इसने भी घर में भी काफ़ी स्टडी की है, बहुत मेहनत की है इसने। बहुत अच्छी बात है। जी क्या सर, बहुत टाइम से बैठे हैं, मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा कि मतलब ना, एक तो बच्चे को ना उसके हेयर से या उससे मतलब उसके बिहेवियर से जज नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं स्कूल में भी कि भाई तू अपने बाल लंबे रखता है तो पढ़ नहीं सकता, ये गलत बात है, तुम्हें अपने बच्चे के स्टडी से देखना चाहिए, ये उसके बाल लंबे। और दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हो उनके बारे में कोई बात नहीं करता भाई, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना ना तो सिर्फ एक बात सोचा कि क्या मैंने अपना 100% दिया था, पिछले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 570 मार्क्स थे और या 60 शायद, तो मैं सभी टीचर कहते क्या गारंटी कि तेरे अगले साल नंबर बढ़ जाएंगे, मैं कहता कि मुझे नीट करना है और मैं एक बार बस अपना 100% देना चाहता हूँ, फिर सिलेक्शन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार अपना 100% दे दो और फिर सेटिस्फेक्शन आता है कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, गिल्ट नहीं रहता, बस मुझे यही कहना। और बिहेवियर के बारे में जरूर वो मत जज किया करो यार, गलत बात है। जी, क्या नाम है जी? सविता। बिटिया, घर में किस तरह से माहौल था और कैसे, कितने घंटे ये पढ़ती थी और आकाश को? सर, घर का माहौल मेरा बहुत ही अच्छा है, और सबसे ज्यादा माहौल मेरी बेटी ने क्रिएट किया है, इसका पढ़ने का तो कोई टाइम था ही नहीं, जब तक ये लगा लो 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं जब तक मेरी आँख खुली है मैं देख रही हूँ, बीच में भी खुली है तब भी ये पढ़ती है, इसको 8th स्टैंडर्ड के बाद कभी बोला ही नहीं गया पढ़ो, इसने खुद की मेहनत है इसकी, मैं तो सिर्फ इसको देखती थी और साथ में बस यही है कि कभी कभार थोड़ा बहुत डांट दिया करती, टेंशन होती, लेकिन डांटने की जरूरत थी ही नहीं मेरी बेटी को, ये तो अपने भाइयों और बहनों के लिए भी आदर्श है। हाँ जी, और इसके स्कूल से भी इसके टीचर का प्यार और सहयोग बहुत ही रहा, यहाँ पर फैकल्टी जो है वो भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ के टीचर्स जो थे
उन्होंने भी पूर्ण सहयोग दिया, मोटिवेट भी किया इसे। और यही ना था कि कभी कभी इसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, तो उसके लिए भी मोटिवेट करते रहते। सबसे पहले तो मैं थैंक्स आकाश इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है उनके लिए बोलना चाहती हूँ, और फिर मुझे अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। बिल्कुल, बेटियाँ होती ही गर्व के लायक है। जी सर, आप बताएं क्या नाम है? और मेरा नाम राजकुमार है, मेरे आस्था के फादर हूँ। तो आस्था के बारे में बताएं भाई, घर में कितना घंटे देती थी, कैसे पढ़ती थी, और कभी कभी निराश भी हो जाती रही होंगी। यस, आस्था ने 14 से 16 घंटे स्टडी करी है। हम जब भी रात को उठते थे तो ये पढ़ रही होती थी, तो हम इसे कहते थे कि बेटा सो जा। तो एक दो बार ये निराश भी हुई है, लेकिन यहाँ जो योगेंद्र सर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, काफ़ी ज़्यादा इस बच्ची को मोटिवेट किया है। और इससे पहले लास्ट ईयर इसने एलन से किया था, लेकिन इसके मार्क्स नहीं आए थे, तो इसने एक साल ड्रॉप करके यहाँ आकाश में लिया। आकाश की जो फैकल्टी है हर पल रिव्यू रखती है बच्चे पे, फादर मदर को इन्वॉल्व करती है, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कंसल्टेंट करने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। और इन लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू भी, और डेली जो इनके टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट से बच्चे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उसकी वजह से ही ये इतने मार्क्स गेन कर पाई है। आकाश की फैसिलिटी को मैं सलूट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप विजय कामना का पात्र हूँ। इसकी 369 रैंक है। तो किस तरह से शुरुआती दौर से क्या सपना था कि इसी क्षेत्र में ले जाना है या इसने 9th क्लास से ही मेडिकल को चूज करने के लिए सोच लिया था कि मेडिकल में जाऊंगी, और इधर ये 11th क्लास से 11th और 12th में आई। ये अच्छी फैकल्टी है, अच्छा पढ़ाया है, जब भी ज़रूरत पड़ी अच्छा मोटिवेशन भी बार बार दिया जाता था यहाँ से, और रेगुलरली बच्चे की रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब टाइमली पेरेंट्स को बताया जाता है। और ये भी अच्छा अपना शुरू से ही क्लास, यहाँ के अलावा घर में 6-7 घंटे क्लासेस के अलावा अपना रेगुलर अच्छी मतलब सीटिंग कैपेसिटी थी इसकी, अच्छे पढ़ते थे। बहुत सुख है। बहुत सर, क्या कुछ है? मेरा नाम गोपाल है, सारा का फादर हूँ मैं। इसने 665 अचीव किया है। घर के बारे में थोड़ा जानकारी दें, कितना क्या शुरुआती दौर से ये सपना था कि इसी क्षेत्र में बिटिया को ले जाना? नहीं, शुरुआती दौर से सपना तो नहीं था, लेकिन जब इसने 10th की 12th की उसके बाद इंटरेस्ट दिखा इसका मेडिकल लाइन में ज़्यादा है, तो फिर हमने ज्वाइन करवा दिया काश इसको। बहुत शुक्रिया। बहुत बेटा, क्या कुछ कहेंगे आप? बस घर वालों ने सपोर्ट किया, फैमिली का सपोर्ट था, उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, और आकाश ने सपोर्ट किया, तो उसी वजह से अच्छा स्कोर मिला। आकाश की वो ज़्यादा बेटर रहती है, लास्ट टाइम में जो इन्होंने डेली के टेस्ट लिए ना उससे बच्चा काफ़ी अचीव कर पाता है।